जाना में चरागाह रो मामलो है। 400-500 बीघा जमीन है चरागाह, बनी पे कई कुछ अतिक्रमणिया कब्जो कर रहे थे और बाहर के लोग 10-15 बीघा पे खेती कर रहे हैं, चरागाह भूमि पे कब्जा करके इतने हौसले बुलंद हो गए हैं। गांव की यह हालत ऐसा, 500 बीघा चरागाह भूमि है, 5 बीघा भी खाली नहीं है चरागाह भूमि, और गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी पे छाया में बैठे हुए हैं जिम्मेदार। मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, आप जागो, कुर्सी से उठो। महासतियों की मादड़ी में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्टर को की शिकायत। महासतियों की मादड़ी के सोनियाणा गांव के ग्रामीण राजसमंद जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चारागाह भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से गाँव में गोचर भूमि नहीं रही है। ऐसे में मवेशियों के चरने की जगह भी नहीं बची है और लगातार कतिपय भूमाफिया अतिक्रमण करते जा रहे हैं और एक नहीं कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जहां पर अब बाड़े बनाने के बाद कई लोग खेती कर रहे हैं तो कई लोग अवैध रूप से पक्के निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत से लेकर प्रशासन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दिनों दिन चारागाह जमीन सिमटती जा रही है और दूसरी तरफ मवेशियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। इस अतिक्रमण को लेकर बताया कि ग्रामीणों ने पहले भी ग्राम पंचायत से लेकर प्रशासन को कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखिए आक्रोशित ग्रामीण अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम लोकालू है। कई मामलों क्यों आया आप? अरे हमारे डांडागढ़ा वाले सन्नौर में तो वन होटल मिल रहे बाबरी होने गाय होटल मिल रहे मारा मुंडा के गेहूँ कटे साहब है, 400-600 ऊपर सब रूंजी मिली कड़ी कड़ी रूम मिली कौन कहीं मे रूंजी मिली आपरी है, तुम्हारी है, छियारी है, सब बार। अच्छा, अबे आपके चेहरा खाली करानी है और क्या करे? गोचर जो जमीन है हाँ अभी ना खाली करानी। तो आज अटैक इलेक्ट्रिक क्यों आया? तो वही से आया दी कल आना। कई नाम है आपका? गणेश लाल नाम मारो। कटे रहे सोनजाना भरा। कई मामलो? मामलो हमारे एक सोनजाना में चरागाह रो मामलो है। 400-500 बीघा जमीन है चरागाह, बनी पे कई कुछ अतिक्रमणिया कब्जो कर रही है, बोलो तो दिन ब दिन कब्जा बढ़ी रहा है, बोलो तो भूमाफिया है, बनारा कब हौसला बुलंद हुई रहा है, बना कोई रोक नहीं है और आज मैं गांव वाला इकट्ठा हुए और कलेक्टर साहब ने कहा वहाँ जैसे मैं ज्ञापन लेने आया हूँ, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे रहा वे मारी मांग यह है कि भाई अतिक्रमण मुक्त करवाने हमारे चरागाह ने, और भी मैं जैसे कि हमारे गाँव में कई एक 100-150 गौ माता है, आवारा है जनार कोई दणी दोरी नहीं है, हुन नहीं है, अभी बनारे चरवारी जमीन चरवारी जगह नहीं है और बारला गाँव रहा भी आए छोड़े जाता रहे, अभी मामणा ने कटे गए रहा, अगर बनार अगर वह जमीन खाली बजा तो वहाँ सरवारी जगह मिल जाए और वे थोड़ी सरागा थोड़ी जमीन अल्डी बजे तो वहाँ सारा सर हवड़ रहे, और माँ यूँ कलेक्टर साहब यूँ निवेदन करा कि माने गाँव चरागाह ने मुक्त करवानी है, यानी कब्जा धारकों मुक्त करवानी, और अगर यो कब्जा मुक्त हो जावे तो मान गांव वाला बढ़िया गौ माता वाते बढ़िया है, आज व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कोई मजदूर है, वे प्यारो खर्चो कर करे गौ माता सेवा वाते गौ माता वाते कई रखे कदम उठ रहा है, और एक माना गांव में ऐसा लोग है जो कब्जा बोलो कब्जा कर करें गौ माता जमीन ही सड़पना सही रहा है, तो मां गांव वाला ये मांग है भाई कब्जा धारका ने कब्जा मुक्त करवानी, चरागाह अतिक्रमण मुक्त करवानी। पंचायत में पहले पंचायत में दे दो पहली माँ और अटे भी दे चुका वहाँ कलेक्टर साहब ने पहली दीदा लगा माँ 2020 में संघर्ष कर रहा मान कोई रिस्पॉन्स नहीं आयो 2020 बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, और अगर यो लास्ट ज्ञापन अगर कलेक्टर साहब रहा मानी हूँ वे भेजे तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट तक भी जा सका और मानी जमीन रवाते लड़ रहा गौ माता रवाते चरागाह भूमि रवाते लड़ रहा माँ संघर्ष कर रहा और कटुनगढ़ मान न्याय मान प्रशासन कलेक्टर साहब कोर्ट में यही निवेदन करा भाई माने मान कार्रवाई करवावे और माने संतुष्ट करवावे। कई कई मामलों आज क्यों ऐसे? हमारे ग्राम पंचायत मादड़ी के ग्राम सोनियाणा में करीब 500 बीघा के लगभग चारागाह भूमि है, हम यही मांग कर रहे हैं कि स्वतंत्र होकर प्रशासन हमारे संपूर्ण चारागाह भूमि आराजी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और उसका सीमांकन कराया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि भविष्य में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे। हमारे स्कूल पर अतिक्रमण, उप स्वास्थ्य केंद्र पर अतिक्रमण और केसरपुरा बंजारा बस्ती के आसपास अतिक्रमण और बाहर के लोग 10-15 बीघा पे खेती कर रहे हैं चारागाह भूमि पे कब्जा करके,
इतने हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि आप संपूर्ण जाब्ता भेजकर, और वहाँ विवाद की स्थितियाँ भी पैदा होगी, तो आप सुरक्षा के साथ वहाँ चरागाह भूमि को खाली करवाया जाए ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। तो 5 साल पहले प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? गुमराह किया जाता है, एप्लीकेशन दे रहे हैं, गुमराह किया जाता है, तोड़ मोड़ करके एक कब्जा हटा के फोटो खींच के डाल देते हैं। संपूर्ण चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया, फोटो खींच के सिर्फ वाहवाही ले रहे हैं। और 181 पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें डाली गई है, कई शिकायतें हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी पर छाया में बैठे हुए हैं जिम्मेदार। मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, आप जागो, कुर्सी से उठो और हमारे गांव में पधारो और चरागाह भूमि पर नज़र डालो। 500 बीघा जमीन कहाँ है, बिल्ला नाम कितनी है, चरागाह भूमि कितनी है, संपूर्ण को खाली कराया जाए। अगर संपूर्ण जमीन खाली नहीं हुई चरागाह भूमि, तो हम मजबूरन हम उग्र आंदोलन पर तैयार होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। साहब, मेरा नाम दिनेश है। गाँव की यह हालत है साहब, 500 बीघा चरागाह भूमि है, 5 बीघा भी खाली नहीं है चरागाह भूमि। और सरकारी स्कूल, शमशान घाट, सार्वजनिक सराय और इस बहुत सारी जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर भी लोगों ने कब्जे कर दिए हैं और वो भी खाली नहीं साहब। चरागाह तो सब हड़प ली, लेकिन सरकारी जो ज़मीनें थी वो भी उन्होंने हड़प ली साहब। कुछ भी अभी 5 बीघा कहीं ज़मीन नहीं है, 500 बीघा में से 5 बीघा ज़मीन खाली नहीं है जो कहीं गायें चरें और कहीं गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सारी सरकारी जो ज़मीनें थी उन्होंने सारे पे कब्जे कर लिए। कोई गाय मर जाती है उसको कहीं डालने की जगह भी गांव में नहीं है, ये हालत है। सभी जहाँ भी जाते हैं वो मेरा कब्जा है, वो मेरा, यहाँ पे मत डाल, वहाँ पे मत डाल, ये मेरा है। 10-10, 12-12 बीघा, 15-15 बीघा कब्जे कर लिए पूरे गाँव में। और ज़्यादा कुछ बात करते हैं उनसे तो मारपीट पे आते हैं कब्जा करके।